फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल ऑनलाइन। तो फ्रेंड्स, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए, जो एक एसएससी जेई के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्सप्लेनेशन मैं इस क्वेश्चन पे नहीं करूँगा क्योंकि टाइम कम है, तो जितना वीडियो दे सकता हूँ मैं वही आपके लिए अच्छा होगा। और दो तीन चीज़ें मैं आपको बताता हूँ एसएससी जेई रिलेटेड के लिए। देखिए, एसएससी जेई क्रैक करने के लिए आपको दो चीज़ और भी है, जो है जीके और रीजनिंग। तो रीजनिंग में आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा अगर आप क्रैक करना चाहते हैं। तो रीजनिंग के लिए मैं एक ही चीज़ बताऊंगा कि रीजनिंग के लिए आप जो प्रीवियस ईयर का जो रीजनिंग जो क्वेश्चन है वो दो तीन बार प्रैक्टिस करके चाहिए, हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत आता है जीके में, क्योंकि जीके बहुत बहुत मुझे लगता है टफ है, क्योंकि टफ मतलब प्रिपेयर अच्छे तरह से नहीं होंगे तो आप जीके कंप्लीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो जीके में जो बुक मैं सजेस्ट किया हूँ आपको, तो वो बुक आप अच्छी तरह से पढ़ के जाइए, तो मुझे लगता है उससे 20 से 25 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, और बात किया जाए इंजीनियरिंग की, तो इंजीनियरिंग में कुछ कुछ चीज़ें आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, कुछ कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ, तो वो अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद मेरा जो पिछला जो वीडियो से आप देखिएगा, रेलवे एसएससी जेई के जो वीडियो से, मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो वीडियो से, वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वो जो वीडियो से वो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो से, और उस रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी आ सकता है एसएससी जेई के लिए, तो वो भी क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियोस में जाइए, नीचे जो आप देख सकते हैं कि एसएससी जेई के लिए जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तरफ से जो मैं वीडियो बनाया हूँ आपके लिए, वो वीडियो भी आप ज़रूर देख के जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के जो क्वेश्चन है वो। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ डीजल इंजिन एज कम्पेयर टू पेट्रोल इंजिन, आंसर होगा लोअर। बेसन बॉयलर इज वन ऑफ द फॉलोइंग हाई प्रेशर बॉयलर हैविंग नो ड्रम। द ओनली एंगल on which the strength of tool depends upon, answer होगा rake angle. High compression ratio in diesel engine result in high pressure. Heat pump is a device which takes heat from low temperature and delivers to high temperature. A refrigeration system removes heat from a low temperature body and delivers it to a high temperature body. In higher pair, the relative motion is the combination of sliding and turning pairs. Working stress is always, answer hoga, less than ultimate stress. What strength of material is to be considered for design component under cyclic load? To iska answer hoga endurance strength. To next क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉकिंग इंजन इज इंक्रीज बाय लो वोलेटिलिटी, हाई विस्कोसिटी, हाई सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर। तो ऑप्शन में अगर तीनों है और डी ऑप्शन में ऑल अबव द अबव अगर होता है तो आंसर होगा ऑल अबव द अबव। द फंक्शन ऑफ फ्यूसिबल प्लग, तो इसका आंसर होगा टू प्रिवेंट द डैमेज ऑफ बॉयलर अगेंस्ट ओवरहीटिंग। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी फ्रिक्शन बियरिंग, नीडल बियरिंग। The coefficient of restitution of perfectly plastic impact is zero. Morse test is conducted on multi-cylinder engine. Area under the angular acceleration and the time curve represent change in velocity. Kinematic change should have a minimum of 4 links. Octane number of iso-octane is 100. A closed cycle gas turbine works on Joule cycle. Spark ignition engine works on Otto cycle. In a pitot tube at a stagnation point, all the velocity head is converted into pressure head. Resilience of a material is important when subjected to shock loading. When mild steel is subjected to tensile loading, its fracture will conform to cup and cope shape. For brittle material, failure occurs without yielding. Thermocouples are based on Seebeck effect. The specific volume of a system is an intensive property.
ओके, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर्म्स द बेसिस ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट. ग्रे कास्ट आयरन हैज लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. तो ये था कुछ क्वेश्चंस जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं कोशिश करूंगा और भी कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लाने के लिए. ठीक है, तो अच्छा लगे तो प्लीज प्लीज लाइक कर दीजिए ना. ठीक है, और मैं जो आपको कहा कि जो वीडियो से जो रेलवे एसएससी जो के लिए मैं बनाया था, नीचे आप वीडियोस में मिल जाएगा आपको. तो वो जो मैकेनिकल पार्ट है, वो मैकेनिकल पार्ट जो वीडियो से, वो सब वीडियो आप देख लेना, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है उस वीडियो. और उस रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो एसएससी जे में आ भी सकता है. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू. और मेरे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह आपके लिए हर एक इम्पॉर्टेंट जो एग्ज़ाम रहता है वो एग्ज़ाम में आपको कुछ हेल्प करने की कोशिश करूँगा. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू.